अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आए सबसे पहले हम खुदा ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इस माह मुबारक की सआदत एक बार फिर नसीब फरमाई। ये वो माह मुबारक है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक को लोहे महफूज में उतारा। ये वो माह मुबारक है कि जिसमें वही का सिलसिला शुरू हुआ। ये वो माह मुबारक है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नबुवत की सआदत नसीब हुई। ये वो माह मुबारक है कि जिसमें खित्ते अरब के रहने वालों को कुंतुम खैरा उम्मा कहा गया। ये वो माह मुबारक है कि जिसकी एक रात हज़ार रातों से अफजल है। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं शोबे इस्लामियात के हेड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज की इस गुफ्तगू का आगाज इस बात से करना चाहेंगे कि कुरान करीम रमज़ान को किस तरह से डिस्क्राइब करता है, कि रमज़ान के अहकामात को कुरान में कैसे बयान किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 महीनों में से रमज़ान एक महीना है जिसका नाम लेकर जिक्र किया गया है और इसको शाहर कुरान भी कहते हैं, कुरान का महीना कहते हैं, शाहर सयाम भी कहते हैं यानी रोज़ों का महीना है। और रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं कि इसमें कुरान उतारा गया है और रोज़ों का जो मकसद है वो भी बयान किया गया है। लेकिन चूंकि ये ज़रा मुश्किल काम है इसलिए साथ ये भी कहा गया कि अय्याम मादूदात, ये गिनती की तो दिन है। और फिर मज़ीद ये कहा गया कि ये कोई नया हुक्म भी नहीं है, ये तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं। अगरचे अहकाम बदलते रहे, तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, दौरानिया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले शराय के अंदर, पहली शरीतों के अंदर मौजूद ना हो, पहले से ये मौजूद है। दूसरा इसमें यह कि आसानी को भी मद्दनज़र रखा गया है, इंसानी फितरत को भी मद्दनज़र रखा गया है। आसानी में यह कि शख्स कोई अगर सफ़र पर है तो बाद में गिनती पूरी कर ले, या बीमार है तो वो बाद में रख ले। बल्कि कुरान मजीद की तफसीर जो सहाबा इकराम से मनकूल है कि एक आदमी दायमी बीमार है यानी सेहत याब होने की कोई उम्मीद नहीं है तो वो फिदिया दे दे एक मस्किन का। इसी तरह एक शख्स वो है जो बहुत बूढ़ा हो गया, मतलब 80-90 साल की उम्र, 100 से ऊपर चला गया है, या इंतहाई कमज़ोर है तो वो रोज़े ना रखे और उसके बदले में फिदिया दे दे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिदिया देते थे और रोज़ा नहीं रखते थे, तो ये आसानी में इस हवाले से कर दी गई। इसके अलावा जो प्योरीफिकेशन है यानी रोज़े के ज़रिए से और कुरान मजीद के ज़रिए से जो गाइडेंस है उसका तज़किरा भी यहाँ कुरान मजीद में किया गया। फिर ये कि एतिकाफ़ का जिक्र भी कुरान मजीद में सूरह अल-बकरा में कर दिया गया, एतिकाफ़ के जो आदाब हैं वो बता दिए गए हैं और उसके साथ साथ थोड़ा सा हलाल हराम का जिक्र भी किया गया है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह बाकी अरकान इस्लाम है उसी तरह रोज़ा भी इस्लाम का एक रुकन है और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। जो बुनियाद है, तो जब बुनियाद ही नहीं होगी तो बाकी तो पीछे कुछ नहीं रहेगा ना। तो एक तो ये कि हदीस में बोरियल इस्लाम में रोज़े का जिक्र किया गया, कुरान में कहा गया कि रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। फमन शायद अमन को मुशारा फालिया सुम हो, जो भी इस महीने को पाए वो ज़रूर इसके रोज़े रखे, उसका हुक्म भी दिया गया। तो ये हैं कुछ तालीमात जो यहाँ जिक्र की गई हैं। फिर ये कहा कि बल्कि कुरान मजीद में सहरी खाने का जिक्र किया गया, हदीस पाक में है कि सहरी खाने में बरकत है, सहरी का वक्त भी बताया गया, फिर अफ्तारी का टाइम भी बताया गया, तुम्मा अतिमु सियाम लिल्लैल। ये वो बातें हैं जो कुरान मजीद में जिक्र की गई हैं। और इसकी तफसीर में जो नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उसमें एक चीज़ ये थी कि जो शख्स भूल कर खा भी लेता है तो वो उसको चाहिए कि रोज़ा पूरा कर ले, उसको अल्लाह ने खिलाया है, उसको अल्लाह ने खिलाया, यानी इंसानी फितरत का लिहाज भी रखा गया है। और ख़ासकर शुरू के याम में तो नहीं याद रहता बाज़ दफ़ा ना कि रूटीन में बंदा कोई चीज़ खाता पीता है तो उसे याद ही नहीं कि रोज़ा है, तो उस बात का लिहाज भी रखा गया। इंसान ये दीन चूँकि फितरी दीन है, नेचुरल दीन है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाकी लोगों ने इस वक्त राइज कर रखी है, बिल्कुल इंसानी नेचर के मुताबिक इंसान की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये अहकाम दिए गए और उसके साथ इस हुक्म पर चलने के जो फ़वाद हैं वो भी बयान किए गए। अच्छा सर, जैसे कुरान शरीफ में जब रमज़ान के रोज़ों का हुक्म आ रहा था तो वहाँ पे जो आया था या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, वहाँ पे आखिर में आता है कि लअल्लकुम तत्तकून, कि
तुम पे भी फर्ज किए गए, तुमसे पिछली उम्मतों पे भी फर्ज किए गए थे, और इसलिए ताकि तुम तकवे वाले। तो रमज़ान हमें कैसे पैगाम देता है तकवा का? हम अपने तकवा यानी कि अल्लाह ताला से कुर्ब इसको किस जरिए से हासिल कर सकते हैं? तकवा बुनियादी चीज तो है अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना, ये पहला स्टेप है तकवे। और उसके बाद यही तक काफी नहीं है, यानी अल्लाह की नाफरमानी से बचना यही तकवा नहीं है, बल्कि उसकी इताअत करना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना और उसकी इताअत करना, ये तकवा है असल में। लेकिन हम बाज़ दफ़ा तकवा मतलब नाफरमानी से तो बचते हैं, लेकिन जो इताअत वाला मामला है उससे पीछे होते हैं। जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन काम वो है जो अगरचे थोड़े हों लेकिन परमानेंट तौर पर किए जाए, यानी दायमी तौर पर किए जाए। खैरुल उमूरी अदवामुहा वा इनकल्ला। हमारी सूरत हाल होती है कि हम बिल्कुल वो तेज़ी के साथ रेस लगाते हैं और उसके बाद ठुड्डा खा के नीचे गिर पड़ते हैं। असल ये है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कि एक इंसान है मुसलसल आगे बढ़ता चला जाए नेकी में, तो ये असल चीज़ है जो इंसान को उसके असल गोल की तरफ लेकर जाती है। हमारे यहाँ चूँकि एक चीज़ ये है कि हमने मतलब ये कि इस दीन को भी एक उस तरह रिलीजन समझ लिया हुआ है कि वो पूजा पाठ का नाम है, क्रीड एंड वर्शिप कहते हैं ना ये रिलीजन को, ये अकीदा है बस, इबादत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस्लाम तो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, ज़ाबता हयात है, ज़िंदगी गुजारने के तरीके इसमें बताए गए। हमारे यहाँ जो तकवा पैदा नहीं होता या रोज़ों के रखने के बावजूद, नमाज तरावी पढ़ने के बावजूद, रमज़ान मुबारक में सदका खैरात करने के बावजूद भी, और वो सौ सौ नफल जो हम पढ़ते हैं पूरी लगन के साथ और कई कई पारे और कई कई कुरान ख़त्म करते हैं, और इसके बावजूद हमारे अंदर चेंज नहीं आती, रमज़ान आने से पहले जैसे थे रमज़ान गुजरने के बाद भी वैसे। तो इसमें बुनियादी एक चीज़ ये है कि हमने ये समझ रखा है कि बस ये तो हमने इतने टाइम के लिए काम करना है और उसके बाद फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। असल ये था कि ये जो इतने टाइम के लिए एक हमारी तरबियत की गई है, ट्रेनिंग की गई है, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको लेकर आना था। देख रहे रमज़ान के हवाले से सहर अफ्तार का टाइम है, तो उसमें इतनी छूट ये दे दी गई है कि आप कोई चीज़ खा पी रहे हैं, आपके हाथ में कोई बर्तन है तो वो जल्दी से अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। लेकिन ये कहा गया कि मेरी उम्मत तब तक खैर के साथ रहेगी जब तक सहरी करने में ताखीर करेगी और इफ्तारी करने में जल्दी करेगी। मतलब ये है कि आखिरी वक्त में सहरी करेंगे और जब इफ्तारी का टाइम हो जाएगा तो फिर लेट नहीं करेंगे। हालांकि बंदा सोच सकता है देखेंगे सारा दिन जो 16 घंटे या 14 घंटे हमने भूख प्यास बर्दाश्त की है, तो अगर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट और भी गुजार ले तो मसला तो कोई नहीं है। लेकिन कहा गया कि नहीं, खैर इसमें है कि जल्दी इफ्तार करो। तो ये असल में अल्लाह की इताअत करने की ट्रेनिंग इंसान को दी जा रही है कि जहाँ आपको रोका जा रहा है वहाँ आप रुक जाएँ, जहाँ आपको चलाया जा रहा है वहाँ आप चल पड़ें, और जहाँ आपको उठाया जा रहा है वहाँ उठ खड़े हों, और जहाँ बिठाया जा रहा है वहाँ बैठ जाएं। अब ये चीज़ जब आप गेन कर लेंगे रमज़ान मुबारक की बहारों में और इस गोल्डन चांस को अवेल करते हुए, तो उसके बाद उसका इम्पेक्ट बाद में आना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है असल में कि हम समझते हैं कि ये रोज़े हैं, ये नमाज है, ये अपनी जगह पर है और बाकी सारी ज़िंदगी जो अपनी जगह पर है, तो ये असल में फॉल्ट है। और ये चीज़ थी, एक दफ़ा एक सहाबी ने नबी पाक से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां आदमी या नमाज भी पढ़ता है और चोरी भी करता है। हम तो कहते हैं नमाज अपनी जगह पर और बाकी काम अपनी जगह पर, तो ये असल में फॉल्ट है। जब हम समझते हैं कि ये अपनी जगह पर हमने रोज़े रखने हैं, ईद तक सारी इबादत करनी है, तरावी पढ़नी है, और उसके बाद ये अपनी जगह पर हो गए और उसके बाद हम आज़ाद हो गए। बल्कि रमज़ान मुबारक में कई लोग जो हैं वो जितनी नाफरमानी पहले कर रहे होते हैं बल्कि ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो ये असल में फॉल्ट है। तो अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अन करीब उसकी नमाज उसको चोरी से जुड़ गई। मतलब ये कि नमाज का हक अगर अदा करता रहा, उसकी पाबंदी करता रहा, और इसका जो मैसेज है नमाज का, इन सलात तनहा अनिल फहशा वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, अगर इस पर वो ध्यान देगा तो अन करीब उसकी नमाज उसको चोरी से रोक देगी। इसका मतलब ये कि इबादत का लिंक है मुआशरती ज़िंदगी के साथ, लेकिन हमने वो लिंक तोड़ा हुआ है। और यही एक सोच थी वो कुरान मजीद में, अगर आप देखें जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि मापतोल में कमी बेशी ना करो, तो उन्होंने क्या कहा था? वैसे उन्होंने कहा था कि असलातो का तमर का नतरु का मा याबुद आबा होना और नफा लफ़ी अमवाल नमानशा। अच्छा, आपकी नमाज ये ऑर्डर दे रही है आपको कि हम उसकी इबादत ना करें जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं, या हम अपने मालों में अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो तसर्रुफ ना कर सकें। उनका ख्याल ये था कि नमाज अपनी जगह पर है लेकिन ये काम आप अपनी मर्जी से करेंगे। तो इस्लाम तो उसको लिंकअप कर रहा है इनकी चीज़ों के साथ।
जब मुआशरती ज़िंदगी के साथ आप नमाज को, रोज़े को, तरावी को, तिलावत कुरान मजीद को और बिलखसूस रमज़ान मुबारक में किए जाने वाले सदक़ात व खैरात को और सदक़ात व फितर को आप इससे अटैच करेंगे मुआशरती ज़िंदगी के साथ, जिसमें आप गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, उनकी उनका एहसास है आपके जहन में आता है, रोज़े की हालत में आप महसूस करते हैं कि भूख प्यास में क्या उन पर गुजरती होगी जो गरीब लोग हैं, तो ये चीज़ जब आप जहन में लाएंगे तो फिर आगे कंटिन्यू होगी वो चीज़। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होगा तो फिर तो आप कहेंगे कि रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है, ईद की नमाज पढ़ेंगे, अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे अगले साल रमज़ान मुबारक में, बड़ी बरकतों वाला है रमज़ान, फिर ये कैफियत रहेगी। लेकिन कॉन्सेप्ट जब ठीक होगा तो फिर इंसान आगे बढ़ेगा और इस नीयत के साथ रमज़ान के चांसेस को अवेल करेगा कि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज लानी, फिर उसके अंदर रूहानी तब्दीली भी आएगी, कुरान भी उसका इशारा करता है और हदीस में भी उसका तज़किरा है। अच्छा सर, यानी कि मेन हमारा जो मकसद, यानी कि जो जिसकी वजह से हम दीन और दुनिया में फ़र्क कर रहे हैं, वो ये है कि हमने दीन को, दीन नहीं, हमने उसको एक रिलीजन, एक मजहब बना लिया कि जो बस इबादत करनी है और ख़त्म। इसके बाद इस्लाम में दीन और दुनिया का तो फ़र्क नहीं है, दुनिया कैसे गुजारनी है वो हमें दीन बता रहा है। इस्लाम में तो दुनिया है और आखरत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखरत हसना, यानी दुनिया में हसना भलाई खैर अच्छाई और ईमान वाली नेकी की हालत है, दूसरों के भले के काम करना वो चीज़ें, और इसी के नतीजे में आखरत में कामयाबी है। दीनों दुनिया का नहीं है, दुनिया और आखरत का है, तो ये जब तस्वर हमारा बिगड़ा हो तो सबसे प्रॉब्लम होगी ना। अब देखो ना, ये जो हदीस मुबारक के अंदर है, एक बंदा रोज़ा उसने रखा हुआ है लेकिन उसके साथ साथ वो जालसाजी भी कर रहा है, बनावट कर रहा है और मिलावट भी कर रहा है, यानी जो चीज़ उसके पास नहीं है वो शो कर रहा है कि बहुत अमीर है, बहुत सेठ है, वो मुत्तकी परहेजगार नहीं है लेकिन वो तासुर ये देता है कि वो बड़ा नेक आदमी है, या कोई वो लोगों में कोई राशन बांट रहा है तो वो वीडियो वगैरह बनवा रहा है, तस्वीरें बना रहा है और उसके बाद सारा सिलसिले गायब है। अब क्या ये मतलब वो दिखावा कर रहा है रोजे की हालत में भी, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी में हदीस है, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी यदा ताम व शराब, जो आदमी झूठ बोलना नहीं छोड़ता, झूठे काम नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसकी क्या ज़रूरत है कि उसने अपना खाना पीना छोड़ा हुआ है। क्या मतलब इसका, ये जो आपकी ज़ुबान से अल्फाज अदा होते हैं, आपके जो आपका जो बिहेवियर है, आपके जो लेन देन के मामलात हैं, आपकी जो बोदोबाश है, उसका गहरा ताल्लुक है रोज़े के साथ। इसीलिए तो आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में और कोई बंदा उससे लड़ाई कर रहा है तो क्या कहना चाहिए, कहना चाहिए इन्नी साइम इन्नी मुरहन साइम, जनाब मैंने रोज़ा रखा हुआ है। अब ये तो हम करते नहीं हैं, हम तो ये बेसब्री का मुजाहरा खासकर अफ्तारी के वक्त लोगों को देखें, किस तरीके से वो रेस लगा रहे होते हैं घर जाके अफ्तारी करनी। हालांकि रोज़ा तो सिखाता है तहमल है, सब्र सिखाता है, दूसरों के बारे में हमदर्दी के जज्बात सिखाता है, खैर खाई सिखाता है, अभी हम बात कर रहे थे कि डिसिप्लिन सिखाता है, एक नज़म के ताबे हमें लेके आता है, उसको ही हमने वायलेट किया हुआ है, तो कैसे उसके बाद फिर उम्मीद की जानी चाहिए कि बाद में इसके हवाले से कोई तब्दीली आएगी। तो ये असल में कॉन्सेप्ट का इशू है जो हम समझते हैं ना, कि अपना वो माइंड सेट पहले ठीक करें कि ये एक दीन है और मुस्तकिल के लिए मुस्तकिल तौर पर हमने ये काम करने हैं, और उसके नतीजे में फिर वो उसका इम्पेक्ट भी आएगा और जो बुराई और बेहस रुकने वाली बात वो भी सामने आएगी, और जो कुरान ने कहा लाला गुम तब तक उसका मंजर भी सामने आएगा। अच्छा सर, अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें और इस पर डिस्कस करें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम रमज़ान में सरगर्मियाँ करें कि जिससे हम इस चीज़ को अपने अंदर ला सकें, क्योंकि होता है हर बंदा खताकार है, बाद में उससे वो एक तरतीब बरकरार नहीं रखी जाती, नमाजों में कोताहियाँ होना शुरू होता है, ऐसी कौन सी सरगर्मियाँ जिनके ऊपर हम अमल करना शुरू करें तो जो हमारा एक निज़ाम है वो एक नज़्म व ज़ब्त के दायरे में आ सकता है। देखिए जी, रमज़ान के हवाले से जितनी भी बातें कहेंगी, अभी हम लाल तत्ता कौन की बात कर रहे थे, एक तो उस पर फोकस करना है कि नाफरमानी से बचना है उसमें मुस्तकिल तौर पर, दूसरी बात यह है कि जो शख्स रोज़ा रख रहा है या क़ियामुल लैल कर रहा है, क़ियाम रमज़ान कर रहा है, अब देखना जो हदीस पाक के अंदर फजीलत बयान की गई है, मसलन क़ियामुल लैल की हम बात कर लें, तरावी का नाम दे लें उसको, क़ियाम रमज़ान कह लें, कोई भी नाम उसको दे लें, रात की नमाज जो है उसमें एक बात बड़ी अहम है जो कही गई है, फरमाया कि मन कामा रमज़ाना ईमान व इहतिसाबन वो फिर अल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जो शख्स रमज़ान मुबारक का क़ियाम करता है ईमान की हालत में, इहतिसाबन और सवाब की नीयत से, यानी वो ये काम कर रहा है कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहा, उसकी कोई मजबूरी नहीं है,
अल्लाह की मोहब्बत में ईमान के साथ सवाब की नीयत से वो ये काम कर रहा। अच्छा, चूँकि लफ्ज़ एहतसाब का इस्तेमाल हुआ है, उसको हम उर्दू के लफ्ज़ एहतसाब के साथ अगर अटैच करें तो उससे पता चलता है कि साथ एहतसाब भी तो करें ना, मुहासबा भी तो करें ना। तो जब इंसान अपना मुहासबा करेगा सबका ज़िंदगी का भी और जिस ज़िंदगी से वो गुजर रहा है वो, और उन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए फिर उसके बाद वो अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की कोशिश करेगा तो फिर ये बात समझ आएगी ना। रोज़े के बारे में भी यही कहा गया, मन साम रमज़ाना ईमान व एहतसाबन वो फिर लहुमात कदम जम्बे ही, मन काम रमज़ाना ईमान व एहतसाबन वो फिर लहुमात कदम जम्बे ही, मन काम लैलतुल क़द्र ईमान व एहतसाबन वो फिर लहुमात कदम जम्बे ही। तो ईमान व एहतसाब के साथ जब ये काम करेंगे तो फिर इंसान के अंदर वो प्योरीफिकेशन जो वो आए। इसलिए जो रोज़ों का बयान हमने जहाँ से स्टार्ट की थी बात, कि कुरान मजीद में रोज़ों का बयान है, यानी रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए वो जिक्र किया गया, रोज़ों के अहकाम जिक्र किए गए, सफ़र के हालत में रोज़ों का जिक्र किया गया, उसके बाद आगे भी रोज़ों का तज़किरा हो रहा है, ख़ासकर फैमिली लाइफ के मुतल्लिक़ कुछ अहकाम हैं, इतिकाफ़ के जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे, लेकिन दरमियान में एक आयत है वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान फ़लयस्तजीबू ली वलयूमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। जब आपसे ए नबी मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो आप इनसे कहिए कि मैं बहुत नज़दीक हूँ, इन्नी करीब, पुकारने वाला जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। इनको भी चाहिए कि मेरी बात पर लब्बैक कहें, मेरे ऊपर ट्रस्ट रखें, मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हदायत पाएं। अब मुफस्सरीन कहते हैं कि इसका इस कॉन्टेक्स्ट में दुआ का क्या तस्करा है, तो मुफस्सरीन कहते हैं हदीस की रोशनी में इसलिए कि जो शख्स रोज़ेदार होता है अफ्तारी के वक्त उसकी दुआ कबूल होती है, यानी रोज़ा रखने से उसके अंदर पकीज़गी आती है, प्योरीफिकेशन आती है, उसकी ज़ुबान के अंदर तासीर पैदा हो जाती है, गुनाहों का तो इजाला साथ हो ही रहा ना, वो अल्लाह के साथ अल्लाह का कुर्ब जो हासिल कर रहा है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही उसका बदला हूँ या मैं ही उसकी जजा दूँगा, दोनों इसके तर्जमे हैं, यानी अल्लाह बदले में उसको मिलेगा अल्लाह का दीदार या अल्लाह ही उसका बदला देंगे, ये अनलिमिटेड है। वो जब ये कैफियत उसकी पैदा होगी तो जो अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसको अता फरमाएंगे। तो रोज़ेदार की दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाते हैं ख़ासतर अफ्तारी के वक्त में, और जो वालिद है उसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाते हैं औलाद के हक़ में, और इसी तरह मज़लूम की जो दुआ या बददुआ है वो भी अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो रोज़ेदार की वो दुआ है जो अफ्तारी के वक्त कबूल होती है। अब अफ्तारी में दो चीज़ें हैं, एक तो यौमिया अफ्तारी है, यानी अफ्तार का वक्त हुआ मगरब का वक्त होने वाला है तो उस वक्त आप दुआ करते हैं, एक ये है। दूसरा ये है कि सारे रोज़े रखने के बाद जो ईद उल फितर मनाई जाती है तो ये अफ्तार है, जब आप सारे रोज़े रख लेंगे और उसके बाद आपकी ज़ुबान में तसीर पैदा होगी, आपके दिल की कैफियत जो बदल जाएगी, आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो चुका होगा, फिर जो आप अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। इसलिए कहा कि मुझे पुकारें मैं करीब हूँ, फलयस्तजीबू ली वलयूमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। तो वो जो आगे वाली ज़िंदगी है ना वो इसी बेस पर है कि अल्लाह से हिदायत भी मांगे, और यहाँ पर जिक्र हो रहा है हुदल्लिन्नास शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल्लिन्नास वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। तो ये हुदल्लिन्नास तो तभी होगी ना जब आप अपना क़िबला दुरुस्त करेंगे और रोज़ों के ज़रिए से बाकी इबादत के ज़रिए से, और इसमें एक ख़ास बात कि नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान मुबारक में सदका खैरात बहुत ज़्यादा करते थे, यानी वो जैसे आंधियाँ चलती हैं ना तेज़ हवाएँ चलती हैं कि हर तरफ उनका असर जो हुआ जाता है, गोया कि इस तरफ खर्च कर रहे हैं उस तरफ खर्च कर रहे हैं हर तरफ जो है आप खर्च कर रहे हैं, खासकर जबरील से जब आप इस्लाम की मुलाकात होती थी तो बहुत ज़्यादा सखावत आप करते थे, वैसे भी करते थे लेकिन खासकर रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा सखावत करते थे। तो इसका अहतमाम भी हमें करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, बाकी जो फलाह के या रफाह आमा के काम हैं उसमें हमें बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ों में सही नीयत के साथ और ईमान की हालत में तलबे सवाब की नीयत से, तो फिर उसके असरात भी मुरतब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, अभी जैसे आपने बात की कि आप सल्लम रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा सदक़े खैरात किया करते थे, अब कुछ लोग ऐसे जो सदका खैरात नहीं कर सकते तो उनके लिए कुरान हदीस में क्या हुक्म मौजूद है? देखें जी, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सदका खैरात नहीं कर सकते, नहीं जिनके पास इस्तेदात नहीं है। मैं एक पर्सन को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि हदीस पाक में शायद आपने वो हदीस पढ़ी हो जिसमें कई और अमाल को भी सदका कहा गया ना, नेकी का हुक्म करना सदका है, बुराई से रोकना सदका है,
किसी को उसका सामान पकड़ा देना सदका है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, सुभानअल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, उन सब चीज़ों को सदका कहा गया। यानी माली सदका ज़रूरी नहीं है, पर दूसरा ये है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि इंसान बहुत ज़्यादा खर्च करे, वो 10 रुपये भी तो खर्च कर सकता कभी। बल्कि वो जो सदकतुल फितर वाली बात, उसमें यही है ना कि सदकतुल फितर का क्या मकसद है, फितराना जिसको हम कहते हैं, एक तो उसका मकसद ये है कि रोजे के अंदर कोई कमी कुताही रह गई या दाम में कमी पेशी हो गई तो वो उसका इजाला हो जाएगा। दूसरा ये कि तो मतलिल मसाकिन, वो मसाकिन का खाना भी होगा। जो पहला पॉइंट है ना कि रोज़ा जो है उसके अंदर कोई लग्जश रह गई है, कमी कुताही हो गई है, उसके लिए सदका फितर अदा करना है। तो गरीब आदमी अगर रोज़े रख रहा है तो उसके रोज़ों के अंदर जो कमी कुताही है उसका इजाला कैसे होगा, वो भी सदका फितर अदा करेगा, उसको भी मिला हुआ ना, उसी में से कुछ अल्लाह की राह में वो दे दे जितनी हैसियत के मुताबिक। देखें एक आदमी अमीर आदमी है वो लाखों रुपया खर्च कर रहा है, दूसरा गरीब आदमी है वो 150 खर्च कर रहा है, तो अल्लाह तो हैसियत को देखता है और नियत को देखता है कि इसकी हैसियत क्या थी और किस जज्बे के साथ इसने खर्च की है, कदर तो उसकी है। वरना तो बड़ा बहुत ज़्यादा माल भी खर्च कर ले और नियत सही ना हो और वो तो ज़ाया ना जी, ना तो सदाकात बिलमनने वाला था। अच्छा सर, अभी हमने एक बात जब हम डिस्कस करते थे मन कामा रमजान मन सामा रमजान, वहाँ पे आपने जिक्र फरमाया लैलतुल कद्र का, तो जरा अगर इसमें भी रोशनी फरमा दें कि लैलतुल कद्र क्या है और सहाबा में उसका एहतमाम कैसे हुआ करता था, रसूल अल्लाह उसका एहतमाम कैसे करते थे। देखिए जी, कुरान में जो सूरत है वो कद्र के नाम से ही है, 1000 महीनों की इबादत से अफजल उसको करार दिया गया है, लेकिन उसमें हिकमत है कि बताया नहीं गया कि वो कौन सी रात है, सिर्फ ये कहा नबी अलैहिस्सलाम ने कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में इसको तलाश करो। इसमें जो हिकमत अहले इल्म ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स मसलन किसी रात है 23वीं है 25वीं है 27वीं है 29वीं है, तो जिस रात को भी लैलतुल कद्र समझकर वो क़याम करेगा तो अल्लाह ताला उसकी नीयत के मुताबिक उसको अजर दे देंगे। तो ये तो मेहरबानी है इस उम्मत के लिए कि अल्लाह ताला ने इस रात को मख्फी रखा है ताकि शौक़ ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जो हैं इसी बहाने से इबादत करेंगे। बाकी ये कुछ में लोगों के मुख्तलिफ आरा भी हैं उलमा की 27 के हवाले से, या कुछ दीगर अकवाल भी हैं, कुछ उलमा का ख्याल है कि हो सकता है ये बदल बदल के आती रही, अल्लाह बेहतर जानता ना जब बताया नहीं गया, लेकिन असल यही है कि उसमें जो ताक रातें हैं उसमें इस रात को तलाश करना चाहिए और सारी रात इबादत करनी चाहिए। जोर शराबा नहीं है, कुछ लोग ऐसे बस कर रहे होते हैं कि शब बेदारी का मतलब ये नहीं कि महज जागना नहीं है, इबादत के लिए जागना है, जिक्र व फिक्र के लिए जागना है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा था कि अगर मुझे वो रात मिल जाए तो मैं क्या अल्लाह ताला से मांगूँ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआ सिखाई थी उसमें भी यही पैगाम है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह आप माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं, मुझे भी माफ़ कर देना। तो इस्तिग़फ़ार और बख्शिश जो है वो करवाना ये ज़रूरी है। बल्कि हदीस पाक में आता है कि जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है ना तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ लगती है, या बागी अल खैर अकबिल, ऐ नेकी के तलाश करने वाले आगे बढ़, यानी मज़ीद मेहनत कर, या बागी शर अक्सर, और वो जो बुराइयां करने वाला है नाफरमानियां करने वाला है उसे अल्लाह फरमाते हैं कि तू अब रुक जा, अब तो रुक जा, और साथ ये कि अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से आज़ाद कर देंगे। वज़ालिका फ़ी कुल्ले लैला, और ये ऐलान हर रात होता है, रमज़ान मुबारक की हर रात में ये ऐलान होता है। और वो अहादीस भी हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाते हैं और पूछते हैं हाल में मुस्तग़फ़िरन अग़फ़िरला, है कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला कि मैं उसकी गुनाहों को माफ़ कर दूँ, हाल मिन दाइन, है कोई दुआ करने वाला इस्तजीबा लो मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ, हाल मिन ताइबिन, है कोई तौबा करने वाला फ़ातूबा अलैहि मैं उसकी तौबा कबूल करूँ। वो उसी को इकबाल ने कहा था कि हम तो मायल बकरम हैं कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राहरब मंजिल ही नहीं। तो सुभानअल्लाह, अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को कह रहे हैं कि आ जाओ मैं तो तैयार हूँ तुम्हारी बख्शिश के लिए, बस हमने तैयार होना। तो चलिए सर, अभी लैलतुल कद्र के बाद की, तो इसके बाद रमज़ान का आखिरी अशरा इतकाफ का क्या हिसाब किताब है, इनके इतकाफ किस नीयत से करना चाहिए, इतकाफ में कौन कौन सी सरगर्मियाँ हैं जो लाजमी इंसान को करनी चाहिए। देखना, असल में तो है कि दुनियावी मामलात से, कारोबार से और उमूर दुनिया से बिल्कुल अलग थलग होकर मस्जिद के अंदर आपने गोशा नशीन होना और 10 रातों का आपने इतकाफ़ करना, यानी आखिर अशरे का इतकाफ़ है।
इन उसमें आप तिलावत कुरान मजीद करेंगे, नवाफल पढ़ेंगे, आप उसमें कोई इल्म सरगर्मी भी रख सकते हैं, उसमें कुरान की तफसीर पढ़ सकते हैं, तर्जमा पढ़ सकते हैं, दीनी किताबें जो हैं वो पढ़ सकते हैं। मतलब ये कि अल्लाह के साथ ही आपने डायरेक्ट जो है वो लो लगाई हुई है, और बाकी आप देख रहे हैं अभी आपने ये दुआ सुनी कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह से दरख्वास्त करें, अपने ज़िंदगी के अंदर जो जो अमाल गलत हुए हैं उनकी तलाफ़ी के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करें, और वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जो पहले गुनाह हो चुके हैं उन पर शर्मिंदगी हो, आइंदा ना करने का पक्का इरादा करें और वो काम छोड़ दें, तो यही तौबा है, ये अल्लाह की तरफ रुजू है, और सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। नबी पाक ने फरमाया कि जो तौबा कर लेता है वो तो ऐसे जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं, तायब मिन ज़म्बे का मल्ला ज़म्बा हो। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार बिलख़ुसूस जो है रमज़ान के महीने के अंदर इंसान को ये करना चाहिए मामला, और ताकि वो पाक होकर अगली जो ज़िंदगी है उसको मजबूत बना सके ईमानी और रूहानी अतबार से। अच्छा, रमज़ान के हवाले से हमारी इस जामिया के तलबा, अगर उनको आप कोई पैगाम देना चाहें तो? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि नौजवानों को ये समझना चाहिए कि ये रोज़ा जो है अरकान इस्लाम में से, ये बाकी सारी चीज़ें तो हम उसके बाद जिक्र करें, पहले नंबर पर तो रोज़ा रखना है। रोज़ा तो किसी भी शक्ल में नहीं छोड़ना चाहिए मुसलमान, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद है, सबसे पहला काम तो ये हर मुसलमान ने करना है। दूसरी बात यह कि चूँकि हमारे यहाँ ट्रेंड आमतौर पर यह है कि हम आजकल शादियाँ ज़रा लेट करते हैं, यानी बड़ी उम्र में जाकर शादियाँ करने का रुझान है। फिर ट्रेंड्स भी है कि अभी पढ़ रहे हैं, डिग्री मुकम्मल होगी, कोई जॉब वगैरह होगी, और उसके लिए लोग बोलते हैं कि अपने पैरों पर खड़े होंगे तो फिर कहीं जाकर करेंगे, और बाहर जो माहौल है वो ज़रा और तरह का है, तो अब इंसान वो बुराई में पढ़ने का भी खदशा होता है। जैसे नबी सलाम ने बयान फरमाया था कि या माशर शबाबी, यानी नौजवानों की जमात को या नौजवानों को मुखातब करके आपने फरमाया कि रोज़े रखा करो, और उसका मकसद ये बयान फरमाया कि ये नज़र को झुकाने वाला है और इज़्ज़त की हिफाजत करने वाला है, ये इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात का इंतशार है उसको रोकने के लिए मददगार है रोज़ा, और इंसान की आँखों में निगाह में शर्म हया पैदा करता है रोज़ा। तो अगर हम किसी वजह से या किसी मजबूरी की वजह से शादी को डिले कर रहे हैं तो उसका मकसद यह है कि अपने आप को पाकदामन रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम रोज़े की पाबंदी करें। तो एक मौका अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, एक ये कि नवाफल में भी एहतमाम करना चाहिए, लेकिन ये तो फ़राइज़ है, तो ये एक्स्ट्रा एक फ़ायदा जो है वो नौजवानों के लिए होगा रोज़े के ज़रिए से, कि उनकी नज़र के अंदर पकीज़गी आएगी और उनके जिस्म के अंदर भी पकीज़गी आएगी, और इसके बदले में अल्लाह ताला उनको पाकदामनी अता फरमाएंगे रोज़े की बरकत के ज़रिए से, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर कोई कर लेता है। जी सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सर, जो हमारी ये गुफ्तगू थी इससे जो मैंने अपना एक इख्तिताम वो निकाला है कि इंसान जब अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के कुर्ब के लिए रमज़ान में इबादत करता है, उसके अलावा भी उसी चीज़ को जब वो एक कंटिन्यू रखता है बाद में भी, और उसका मकसद सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना होता है, तो उस वक्त उसका और अल्लाह ताला का जो ताल्लुक है वो बात के साथ साथ गहरा और ख़ूबसूरत होता जाता है। फिर इंसान को कल्ब का इत्मीनान हासिल होता है, फिर इंसान को दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह के हुक्म के आगे हकीर सी मालूम होती है। तो सर, शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। जज़ाकुमुल्लाह जी, आप लोगों ने मुझे एक नेकी का मौका दिया है, और ये ज़ाहिर है एक सदका जारी है, और जो बात आप फरमा रहे हैं कि इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, तो असल यही है कि रमज़ान मुबारक के ज़रिए से इंसान इबादत का शौक़ पैदा करे, यानी उसे इबादत के अंदर लुत्फ़ आए, वरना तो सिर्फ मुंह बांधने का नाम तो रोज़ा नहीं है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाया था, कितने रोज़ेदार हैं जिनको भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि हमारा शुमार उन लोगों में ना हो जिनकी कैफियत ये बयान की गई है, कि हमें रोज़े का अजर भी मिले, हम अल्लाह का कुर्ब भी हासिल हो, हमारी ज़ुबान के अंदर तासीर भी पैदा हो, फिर जो हम अल्लाह ताला से मांगे वो अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। बाज़ दफ़ा हम गलत काम करके अपनी दुआ के अंदर हर्डल पैदा कर लेते हैं, तो उस हर्डल को मतलब रिज़्क़े हराम है उससे हर्डल पैदा हो जाती है। तो आप रिज़्क़े हलाल कमाएँ और उसके बाद दुआ करें, और रिज़्क़े हलाल वाफ़र अल्लाह से मांग लें, बजाय इसके कि आप हराम कमाएँ और उसके बाद दुआओं से, दुआओं की कबूलियत से महरूम हो जाएँ। तो बेहतर नहीं है कि आप अल्लाह सुबहान तआला से मांग लें, और इबादत के अंदर आपको जब आपका दिल लगेगा, आपको शौक़ से आप करेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। तो जी नाज़रीन सामईन, ये थी हमारी पहली कड़ी, हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान के रंग तुलबा के संग।
जुड़े रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।